दादाजी, दादाजी प्रणाम। कृष्णेर मतिर अस्तु, आ गए स्कूल से? हाँ, अभी अभी आया। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा हूँ। ये तो राम की कहानी है ना? राम नहीं, भगवान श्री राम। हाँ जो भी है, पर है तो कहानी ही। और मेरी टीचर बताती हैं कि ये राम बहुत पक्षपाती थे, और सिर्फ पक्षपाती ही नहीं बल्कि स्त्रियों का सम्मान भी नहीं करते थे। उन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी की अग्नि परीक्षा ली थी। बताइए क्या ये सही है? हमारी टीचर तो यहाँ तक कहती है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। तो आप ये सब जानने के बावजूद उनकी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहले तो ये कोई कहानी नहीं, हमारा इतिहास है जो आज से लाखों वर्ष पूर्व घटित हुआ था। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र इस धरा धाम पर प्रकट हुए थे और हमारे समक्ष अपनी दिव्य लीलाएं प्रकाशित की थी। और जहां तक उनकी लीलाओं को समझने की बात है, उनकी लीलाओं को समझने से पहले यह समझना होगा कि श्री भगवान प्रत्येक लीला के माध्यम से कई कार्यों को पूरा करते हैं। भगवान अपने भक्तों की और भक्त भगवान की महिमा का गुणगान करना पसंद करते हैं। भगवान के गुण शाश्वत हैं, इसलिए उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें वाल्मीकि रामायण को पूर्णतः पढ़ना चाहिए, ना कि इधर उधर से उनकी लीलाओं को अधूरा सुनकर अपने मन में उनके प्रति अवधारणाएं बना लेनी चाहिए। और जहां तक उनके अपने पत्नी की अग्नि परीक्षा लेने का प्रश्न है, तो चलो अपने गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद के प्रवचनों से जो भी मैंने सुना है, मैं उससे तुम्हें वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का एक प्रसंग सुनाता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र ने दुष्ट रावण का वध किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता बहुत प्रसन्न थे। रावण के भयानक वध, श्री रघुनाथ जी के पराक्रम, वानरों की युद्ध कौशलता, सुग्रीव जांबवंत के सहयोग, लक्ष्मण और हनुमान की श्री राम के प्रति भक्ति और समर्पण की चर्चा करते हैं। वहां उपस्थित समस्त देवी देवता माता सीता की पवित्रता और भगवान श्री राम का अपनी भार्या सीता के प्रति प्रगाढ़ प्रेम का गुणगान करते हुए निज लोकों को प्रस्थान करते हैं। भगवान के अनन्य भक्त विभीषण रावण के अंत्येष्टि संस्कार करने में अरुचि दिखाते हैं, परंतु भगवान राम के निर्देश से वे रावण को मुखाग्नि देकर अपना कर्तव्य पूर्ण करते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण, प्रिय भक्त हनुमान, मित्र सुग्रीव तथा कुछ प्रमुख वानरों के साथ अपने शिविर में चले जाते हैं।